प्रथम तहलका न्यूज। इस वक्त के लिए बड़ी खबर रोहतक से। आपको बता दें कि रोहतक में नगर निगम की वार्षिक बैठक संपन्न हुई और इस बैठक के दौरान 162 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया है। बता दें कि नगर निगम के मेयर मनमोहन गोयल की अध्यक्षता में ये पूरी बैठक हुई और इस बैठक के दौरान शहर के विकास के लिए 162 करोड़ रुपए का ये बजट पास किया गया है। और बता दें कि इस बैठक के दौरान पार्षदों ने शहर से जुड़ी कई समस्याओं के बारे में भी बताया, जिनका निदान करने के लिए भी इस बैठक में चर्चा की गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। एक बार फिर से आपको बता दें कि आज के दिन रोहतक में नगर निगम की एक वार्षिक बैठक संपन्न हुई, जिसमें कि 162 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ है। बता दें कि मेयर मनमोहन गोयल की अध्यक्षता में ये बैठक संपन्न हुई है और इस बैठक के दौरान रोहतक शहर के विकास के लिए 162 करोड़ रुपए का ये बजट पास किया गया है। और इस बैठक के दौरान पार्षदों ने शहर से जुड़ी समस्याओं के बारे में भी बताया, जिसमें कि इन समस्याओं के निदान के लिए भी चर्चा की गई है। मीटिंग में मुझे तो ऐसा महसूस हुआ कि हमारे जो कर्मचारी हैं वो उनकी जवाबदेही बहुत कम है। उनको अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए ताकि वो पार्षदों की डिमांडों को ठीक तरीके से हैंडल करें। अभी जैसे आपने देखा कि भौगोलिक दृष्टि से जिस वार्ड में स्लैब की जरूरत नहीं है वहाँ स्लैब चले गए, जहाँ पार्क की जरूरत है वहाँ पार्क अड़ंगा खड़ा है। तो ये कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम रहना चाहिए ताकि जरूरत के हिसाब से हम काम करावें। मैं मानता हूँ कि साधन सीमित हैं, लेकिन जितने साधन हैं उनका उपयोग हम ज़्यादा ज़्यादा करें। तो क्या कोई तालमेल की कमी है आपस में या किस तरह? जिम्मेवारी की कमी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते लोग, हर काम को टरकाते हैं। जो बजट पास हुआ है इससे कुछ उम्मीद है कि शहर का विकास अच्छा? अगर टारगेट अचीव करने में कॉरपोरेशन के कर्मचारी सफल रहे तो ठीक होगा, लेकिन अगर ये टारगेट अचीव नहीं हो पाया तो फिर भाई सब कुछ डेवलपमेंट पे कट होगा। अच्छा, पिछली बार भी बात आई थी, इस बार भी बात है कि बिना पार्षदों के पूछे हुए जैसे काम, मतलब नहीं, उसमें दो किस्म के काम है। बात करते करते ही एक बात कही जाती है, जो कॉरपोरेशन का फंड है उस पर कॉरपोरेशन पार्षदों की है, उसके अलावा जो फंड आता है जैसे अमृत योजना का है, जैसे सिविक कमेटीज का है, वो अपने आप ही होता है, अपनी सहूलियत के मुताबिक होता है, अपनी सिफारिश के मुताबिक होता है। वो कॉरपोरेशन के मेंबर ये चाहते हैं कि भैया वो भी हमारी इजाज़त से हो, हमारे दस्तखतों से हो, उस पर प्रतिबंध लगने का, क्योंकि वो पैसे ही चंडीगढ़ से आते हैं और चंडीगढ़ वाले ही एस्टीमेट बनाते हैं, बजट बनाते हैं, उसका पेमेंट करते हैं, तो वहीं से कोऑर्डिनेशन रहता है, इसलिए वो दिक्कत हो रही है हमें।